यूजुअली 10th क्लास में हर कोई बच्चा 80% के अबव लेकर आता है, एंड पेरेंट्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड इवन द बच्चा इनसाइड विल बी प्लानिंग कि अब तो साइंस ही लेना है. बट यू नो द थिंग्स आर नॉट दैट मच इजियर. हम सबको उस वो नीट का जो एग्जाम है, वो जो अग्नि परीक्षा है, उसको पार करके मेडिकल कॉलेज में पहुंचना होता है. वहां पर 5 साल की पढ़ाई होती है, प्लस में इंटर्नशिप होती है, उन सबको क्वालिफाई करके देन हम एक डॉक्टर का टैग हमको मिलता है. व्हाट आई वांटेड टू से इज कि अभी बहुत कम टाइम रह गया. 5 मई को तुम्हारा पेपर होने वाला है. तुमने इतना कुछ पढ़ा है, इफ यू आर नॉट एबल टू रिवाइज द होल सिलेबस बिफोर 5th of May, देन कोई फायदा नहीं है पढ़ने का. प्लीज 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 इस सीक्वेंस में रिवाइज करना. होपफुली यू विल गेट वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट्स फ्रॉम दिस. सो 5 मई 2024 को नीट होने वाला है. इसमें कोई न्यू बात तो है नहीं, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, बट एक साइकिल है जिसमें कि 25 लाख बच्चे जिस साइकिल को हर साल फॉलो करते हैं. लाइक यूजुअली 10th क्लास में हर कोई बच्चा 80% के अबव लेकर आता है, एंड पेरेंट्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड इवन द बच्चा इनसाइड विल बी प्लानिंग कि अब तो साइंस ही लेना है. साइंस में भी नॉन मेडिकल बहुत कम बच्चे, अब तो मेडिकल लेके डॉक्टर ही बनना है. और जैसे मेडिकल ले ली बच्चे ने 11th 12th में बायो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पेरेंट्स तो लाइक बस बन गया बच्चे अपना डॉक्टर. बट यू नो द थिंग्स आर नॉट दैट मच इजी. हम सबको उस वो नीट का जो एग्जाम है, वो जो अग्नि परीक्षा है, उसको पार करके मेडिकल कॉलेज में पहुंचना होता है. वहां पर 5 साल की पढ़ाई होती है, प्लस में इंटर्नशिप होती है, उन सबको क्वालिफाई करके देन हम एक डॉक्टर का टैग हमको मिलता है. स्टिल पीजी है, एसआरशिप एंड लाइक सो ऑन. पढ़ाई इन एमबीबीएस और मेडिकल लाइफ इज नेवर 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 गोना एंड. ठीक है, टॉपिक क्या होने वाला आज के वीडियो का? ये एमबीबीएस एंड पीजी एंड एसआरशिप इज नॉट द टॉपिक, दैट वाज जस्ट टू बिगिन एक्चुअली. सो यू नो बायो का मैं मेरा बता देती हूँ. व्हेन मैंने 12th के बाद नीट का एग्जाम दिया था, मेरा एक ड्रॉप लगा था, पता ही है ना. पहले ड्रॉप में आई स्कोर 545, जिसमें कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आई डिड लाइक अच्छा खासा, बट बायो वाज द यू नो सबसे घटिया तरीके से मैं जिस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करके आई थी, दैट वाज द बायो 12th के बाद का नीट जिसको मैंने अटेम्प्ट किया था. एंड उसके बाद देन वन ड्रॉप ईयर के बाद जो लाइक बायो का पेपर दिया, एंड व्हाट बायो का पेपर दिया, पूरा नीट का पेपर दिया ना, आई स्कोर 660 ऑल इंडिया रैंक 4809. व्हाट आई वांटेड टू से इज कि अभी बहुत कम टाइम रह गया. अभी बच्चे बहुतों का तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, इवन एटलीस्ट बायो का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, और जिनका सिलेबस हो गया उनको भूला भूला सा लग रहा है, रिवाइज करने का मन नहीं कर रहा. और अगर वो रिवाइज करने चाहते हैं देन दे एक्चुअली डोंट नो द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ चैप्टर, जिस सीक्वेंस में कि उनको चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहिए. सी 5 मई को तुम्हारा पेपर होने वाला है. तुमने आज तक अपने कोचिंग में कितना अच्छा परफॉर्म किया, अपने स्कूल में कितना अच्छा परफॉर्म किया, तुम्हारी 12th की मार्कशीट कितनी अच्छी थी, 10th की मार्कशीट कितनी अच्छी थी, तुमने अपनी क्लास में कितना अच्छा परफॉर्म किया, क्लास के सभी टेस्ट में कितने अच्छे मार्क्स तुम्हारे आए, मॉक्स में कितना अच्छा मार्क्स आया, तुम्हारे पार्ट टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्मेंस. All of these are not going to matter on 5th of May. What is going to matter on 5th of May is the only thing कि तुमने अभी तक इस 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल में जितना पढ़ा है, whether 5 मई को 2 बजे से लेकर 5:20 तक तुम उन चीज़ों को रिवाइज करके रिटेन करके उस जगह पर जाकर बैठकर अटेम्प्ट करके आ पा रहे हो या नहीं. तुमने इतना कुछ पढ़ा है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिवाइज द होल सिलेबस बिफोर 5th of May, देन कोई फायदा नहीं है पढ़ने का. ठीक है, फिर तुम्हारे पार्ट टेस्ट में कितने अच्छे मार्क्स आए, नो वन्स गोना आस्क. तुम्हारा स्कूल में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, 20 बच्चों के बीच में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, 200 बच्चों के बीच में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस, नो वन इज गोना आस्क, ट्रस्ट में. ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं कि बायो के कौन कौन से चैप्टर छोड़ सकते हो, तो छोड़ना तो चाहिए नहीं, क्योंकि बायो तो बिल्कुल ही बाइबल है. बट स्टिल बहुत कम टाइम रह गया है, और मैं चाहती हूँ कि आपको एक प्रॉपर आइडिया आ जाना चाहिए किस चैप्टर से कितना वेट जाता है, किस सीक्वेंस में आपको चैप्टर वाइज करना. लाइक अगर आपको चैप्टर वाइज करना है, आई नो वेन एवर आई एम सेइंग दिस वर्ड, 5 मई को पेपर है, योर हार्ट बीट्स आर इंक्रीजिंग, बट एक्चुअली इट्स टेक इट इन द पॉजिटिव वे ना. 5 मई को पेपर है, पेपर देकर आना है, 5:20 को पेपर देकर वहां से बाहर आना, एंड दैट वो चिलिंग सांस होगी बेसिकली, और बहुत 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 अच्छा लगता है सीरियसली में. सो अगर हम रिवाइज करने के जाते हैं, लाइक पेपर है हमारा 5 मई को और हम रिवाइज करने के जा रहे हैं बायो को, तो द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड. बट क्यों भाई, स्टार्टिंग में जब आप रिवाइज करना शुरू करते हो ना, तो चाहे वो जनो मनो से चैप्टर ही क्यों ना, बट स्टिल यू विल गिव दैट चैप्टर 2 to 3 or 4 hours. मैंने तो लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर को 5-5 घंटे दिए हुए हैं. ठीक है, सो मैं तो बहुत स्टुपिडिटी कर चुकी हूँ एनीवेज, बट एक्चुअली यू गाइज डोंट हैव टू डू दैट सिली थिंग्स. तो मैं पूरा सीक्वेंस बता रही हूँ कि कैसे चैप्टर्स को मतलब कि डिवाइड किया गया है एनटीए ने, और
कुछ हॉटस्पॉट टॉपिक्स है, कुछ हॉटस्पॉट चैप्टर्स है जहाँ से एनटीए पिछले 2-3 साल में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, पॉलीगेनेसिस ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 10 से 12 क्वेश्चंस फॉर श्योर पिछले 2-3 सालों में आ ही आ रहा है। बायोटेक की फिर 2 यूनिट्स आ गई, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, दोनों ही छोटे चैप्टर, बहुत छोटे चैप्टर। अगर पढ़ना चाहो तो 2 घंटे में, मतलब 1-1 घंटे में दोनों चैप्टर के एनसीईआरटी खत्म कर सकते हो विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अगेन 10 questions that comprise एनिमल किंगडम से 4 से 5 questions आते हैं। एनिमल किंगडम अगर अभी भी नहीं हो पा रहा है तो मैं ये कहूंगी कि सब कुछ अंदर का नहीं पढ़ने की जरूरत, अंदर का माल मसाला एवरी टॉपिक का पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनिमल किंगडम का चैप्टर खत्म हो रहा है, लास्ट में एक समरी का डब्बा बना हुआ है, लास्ट में एक समरी का डब्बा बना हुआ है, बस हर किंगडम का एग्जाम्पल याद कर लेना, कहीं पर भी यूट्यूब पर तुमको ट्रिक मिल जाएगा, एग्जाम्पल याद कर लेना और लास्ट में समरी का डब्बा बना हुआ है, जस्ट उस समरी के डब्बे को याद कर लेना टू हैव अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिलेटेड द पर्टिकुलर किंगडम इन दैट चैप्टर। देन आ जाते हैं हम सेल यूनिट का जो चैप्टर है, जिसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल एंड डिवीजन आता है। सेल साइकिल एंड डिवीजन तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, बट स्टिल बहुत क्वेश्चंस आते हैं वहां से, 10 से 11 क्वेश्चंस फॉर श्योर। फोटोसिंथेसिस 3 से 4 क्वेश्चंस। ये जो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है, बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, इट contains 10 to 12 questions. Then comes human health and disease, organism and population, 4 se 5 questions. Excretion wala chapter, locomotion, microbes and human welfare, ecosystem, 2 se 3 questions per chapter are guaranteed. Morphology wala chapter, 3 se 4 questions. Morphology ka, like maine apne batch wale teacher se morphology nahi padha tha, because morphology is so huge and so extreme chapter. So actually, mujhe khud matlab lambe lectures lena pasand nahi tha, especially bio ka to. Morphology का मैं मेरा बताती हूँ, लाइक नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, देखना देख सकते हो। मैंने केवी एजुकेशन से मॉर्फोलॉजी का जितना ट्रिकी वीडियो ताकि मुझे मॉर्फोलॉजी के सारे एग्जाम्पल्स, फाइलोटेक्सी के अंदर जो एग्जाम्पल्स है, जितने भी एग्जाम्पल्स है वो मुझे याद हो सके, उसके लिए आई हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। बाकी लिविंग वर्ल्ड से 102 क्वेश्चन आता है। स्किप करने का क्या है, कौन कौन से चैप्टर छोड़ सकते हो, तो इन सब चैप्टर से मुझे डर लगता था। मुझे क्यों डर लगता था, बिकॉज एक तो लंबा है, दूसरा एग्जाम्पल्स इतने भर भर के हैं कि याद नहीं होता है, और तीसरा इवोल्यूशन से तो मुझे सच में अभी भी डर लगता है। तो जो चैप्टर छोड़ सकते हो तो उनमें पहला आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th में नहीं पढ़ा था, 12th के बाद जो नीट दिया था मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कुछ भी नहीं आया था, बट या उसके बाद जो ड्रॉप ईयर था उसमें आई हैव स्टडीड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बट अब क्योंकि बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया, तो आई विल नॉट टेल यू स्ट्रेस आउट ऑन द डिफिकल्ट और द ऐसे चैप्टर जहां से क्वेश्चन भी कम आते हैं। देन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लंबा सा चैप्टर, लाइक डाइकॉट, मोनोगॉट, उसमें भी लीफ के बीच में डिफरेंस है, स्टेम के बीच में डिफरेंस है, रूट्स के बीच में डिफरेंस है, लाइक मैंने तो बहुत ही प्रॉपरली डिफरेंसेस बना रखे थे एंड मैंने उसको इतनी बार पढ़ लिया था कि मुझे रट गया था और क्वेश्चन नहीं आए थे वहां से। देन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन वाला चैप्टर बहुत कुछ अब तो रिमूव ही हो गया, बट स्टिल इवोल्यूशन वाला यार डर तो लगता है, तो इन सब चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो। स्टिल ये जो इतना चैप्टर आपके पास बचा, दैट इज 300-310 प्लस, यू कैन इजिली इसको, ठीक है। और बाकी जब आप स्किप भी नहीं करना है, अगर मत स्किप करो, तो इतने जो चैप्टर, एक बायोमोलिक्यूल मुझे लग रहा है मैंने मिस कर दिया, बायोमोलिक्यूल से भी 1-2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, और बायोमोलिक्यूल का मैंने केमिस्ट्री और बायो दोनों का कंबाइन करके नोट्स बनाया हुआ, वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, जो कि यूट्यूब के मेरे चैनल पे ही लिंक होगा टेलीग्राम का, तो वहां पे जाके नोट्स पढ़ सकते हो। नोट्स मेरे सभी चैप्टर्स के मैंने अपलोड कर दिए थे, रात में जग जग के अपलोड किया है, आप सबकी इतनी रिक्वेस्ट पे, सो जस्ट प्लीज डू चेक दैट आउट ऑन द टेलीग्राम। तो स्किप करने का तो मैंने बता दिया है, बाकी जब रिवाइज करने जाओ तो प्लीज 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 इस सीक्वेंस में रिवाइज करना, होपफुली यू विल गेट वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट्स फ्रॉम दिस। तो वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू, बाय बाय।